नमस्कार दोस्तों, जानकारी एक ऐसा चीज़ है जो आपके पास नहीं हो तो नुकसान होता है, और हो तो मुश्किल समय में भी आप निकल सकते हैं। जैसे कि एक चिट्ठी है, ये 2021 का चिट्ठी है। इस बारे में मुझे नहीं लगता कि आप लोग में से बहुत कोई जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते होंगे। अगर जानते तो बताइएगा, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए क्या चीज़ है ये। एक ये सरकार का योजना है, 21 का चिट्ठी है, लेकिन ये चर्चा में अभी आया है। इसलिए आया है क्योंकि कल मुख्यमंत्री जी ने इसका समीक्षा किया और इस क्रम में पाया कि लोगों में जानकारी के कमी के कारण इस योजना का सही से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जिस उद्देश्य से इस योजना को तैयार किया गया था वो फुलफिल नहीं हो रहा है। जानकारी में मेरा भी आया तो सोचा कि आप लोगों से शेयर किया जाए। इसका खास बात क्या है, ये SC ST और या OBC के कल्याण की बात करता है। इनको लोन मिलता है सरकार की तरफ से, ऋण मिलता है बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में, साथ ही इसमें सब्सिडी भी मिलती है। और इस पैसे से आप जो चाहें वो कर सकते हैं, जो चाहें वो मतलब कहने मतलब है जो बिजनेस करना चाहें आप वो कर सकते हैं। इसे जुआ नहीं खेल सकते हैं, ताड़ी दारू नहीं बेच सकते हैं, लेकिन जो बिजनेस करना चाहें आप वो कर सकते हैं। इसके लिए जब ये लॉन्च हुआ था तब कुछ कंडीशंस था, धीरे धीरे इसमें कुछ चेंजिंग किया गया और कल का जो बैठक हुआ उसमें भी कुछ चेंजिंग हुआ है। इन सारी बातों को जानकारी मैं देने वाला हूँ, साथ ही क्या कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, इन सब बातों को आपको जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो आगे बढ़ने के पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे ये काम करने में अच्छा लगे। देखिए, खास बात ये है कि इसमें आपको 25 लाख तक का लोन मिल जाएगा, ठीक है, 25 लाख तक का लोन मिल जाएगा, जिसमें से आपको 5 लाख रुपया का सब्सिडी भी मिल जाएगा। हालांकि ये 40% है, 40% या 5 लाख, जो कम हो उतना का सब्सिडी मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, 6% 5% इसी के आसपास रहता है। बैंकों में लोन लेने जाइएगा तो आपको वहाँ पे 10, 11, 12, 13% तक इंटरेस्ट रेट लगता है, यहाँ पे 6% में आपको लोन मिल जाएगा। आप इससे कुछ भी कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। हर जिला के जो DC ऑफिस होता है या हर जिला में जिला कल्याण पदाधिकारी बैठते हैं, आपको उनके कार्यालय में जाना है, एक वहाँ से फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को लीजिए, साथ में अपना जाति, आवासी और आय का सर्टिफिकेट लगा दीजिए, और आप जो बिजनेस करना चाहते हैं उसका एक प्रोफार्मा बना के उसमें अटैच कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। आपका लोन अगर सेंक्शन हो जाता है तो सीधे राशि आपके खाते में पहुँच जाएगी, आप उस राशि को इस्तेमाल करके अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, कुछ इसमें पॉइंट भी है जिससे कि आप इस राशि का दुरुपयोग न कर सकें। पहला पॉइंट ये है कि आपको जो अमाउंट आपने दीजिएगा, जिस अमाउंट के लिए आप लोन का अप्लाई कीजिएगा, उस अमाउंट का 10% आपको अपने आप से देना पड़ेगा, बाकी 90% जो है गवर्नमेंट देगी। उसमें से 40% आपका सब्सिडी मिल जाएगा, बाकी जो बचेगा 50% वो आपको पे करना होगा, उसका EMI चुकाना होगा। लेकिन अगर आपने समय पर EMI नहीं चुकाया, 3 EMI फेल कर गया, 3 किस्त अगर फेल हो गया, तो आपको जो सब्सिडी मिली है वो सब्सिडी नहीं मिलेगी, वो सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी। वहाँ तक नहीं बातें पहुँचती हैं। आप अगर इससे कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। शुरू में क्या था, ये है शुरुआत है, इसको देखिए। 50,000 तक का अगर ऋण लेते हैं तो आपका जो अनुदान है यानी सब्सिडी है वो 25% मिलता था, यानी 12,500 तक आपको इसमें छूट मिलता था। इसमें कोई गारंटर की आवश्यकता नहीं थी, ये पहले का है, बहुत पहले का ही है। इसके बाद इस संशोधन हुआ इसमें, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लीजिए, संशोधन हुआ। अब क्या हो गया इसमें, अब हो गया 50 लाख तक की राशि में 40% का सब्सिडी मिलेगा, जो कि 20,000 रुपये तक हो सकता है और गारंटर की आवश्यकता नहीं है। इसमें फिर सुधार हुआ है कल के डेट में। आगे देख लीजिए, 50,001 रुपया से 2.5 लाख तक की अगर लोन लेते हैं तो आपको इसमें भी 40% का सब्सिडी मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको गारंटर चाहिए। गारंटर कौन हो सकता है, एक सरकारी अर्ध सरकारी क्षेत्र में बैंक सरकार के अधीन बीमा कंपनी कर्मी हो तथा जिनका सेवा कम से कम 5 वर्ष बची हुई हो, गारंटर हो सकते हैं। इसके बाद अगला है, 2,50,001 रुपया से 5 लाख तक की राशि के लिए इसमें भी आपको 40% का सब्सिडी मिल जाएगा, जो मैक्सिमम 2 लाख तक जाएगा।
5,01,000 से 10,00,000 तक की राशि में भी 40% सब्सिडी मिल जाएगा, जो मैक्सिमम 4,00,000 तक जाएगा। इसके बाद 10,01,000 से 25,00,000 रुपये तक का जो लोन लीजिएगा उसमें आपको मैक्सिमम 5,00,000 तक का सब्सिडी मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गई बातें। कल का जो बैठक हुआ उसमें एक चेंजिंग हुआ, उसमें चेंजिंग इसमें हुआ, किसमें, इस राशि में हुआ। 50,000 तक का बोला है कि कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कल के बैठक में ये तय हुआ है कि ये राशि 1,00,000 तक हो जाएगी। 1,00,000 तक की राशि का लोन लीजिएगा तो आपको कोई गारंटर की आवश्यकता नहीं है, बिना गारंटर के आप 1,00,000 तक की लोन ले सकते हैं। 40,000 रुपया, मतलब 1,00,000 अगर लोन लेते हैं तो आपको 40,000 रुपया सब्सिडी मिल जाएगा। 60,000 रुपया का आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, वो भी कम इंटरेस्ट रेट में। तो काफ़ी राशि है, आप इसको लेके कुछ भी काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, और साथ में इसका अपने लिए एक इनकम का सोर्स तैयार कर सकते हैं। इसमें आप वाहन भी ले सकते हैं, गाड़ी भी खरीद सकते हैं, ठीक है, छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी गाड़ी तक का, यानी कि आप बस भी खरीद सकते हैं इसमें, इस प्राइस रेंज में आता है तो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कुछ पेपर्स लगाने होंगे, जैसे कि आपका DL होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये सब लगेगा उसमें साथ में। और जो वाहन लीजिएगा वो कमर्शियल होना चाहिए, यानी उसका नंबर प्लेट येलो होना चाहिए, पीला, जनरली वो वाइट रहता है प्राइवेट कार के लिए। ये मेंबर्स होंगे जो आपके एप्लीकेशन को अप्रूव करेंगे। आप सिंपल सा अप्लाई कैसे करेंगे वो जान लीजिए। अप्लाई करने के लिए आपको अपने ज़िले में जाना होगा, और यहाँ देखिए एज जो है ना, एज यहाँ पे लिखा हुआ है 18 से 45 साल, इसको 50 साल कर दिया गया है। मैक्सिमम 50 साल तक की उम्र के लोग जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशंस हैं जो जो आप फुलफ़िल करेंगे तो ही अप्लाई, इसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं। मैं इस PDF को टेलीग्राम में डाल दूँगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। रही बात अप्लाई कैसे करना है, तो अपने ज़िला कार्यालय में जाना है, वहाँ पर जो जिला कल्याण प्राधिकारी कार्यालय है वहाँ जाइएगा, आपको वहाँ फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को लीजिएगा, साथ में अपना जाति, आय और आवासीय का सर्टिफिकेट उसमें अटैच कीजिएगा, और आप जो काम करना चाहते हैं, जो आपने प्लानिंग किया हुआ है उसका एक ब्लूप्रिंट मिल हो जाए, तैयार हो जाएगा, उसको उसमें अटैच करना होगा, जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कितने रुपये का है, क्योंकि जो राशि आपने उसमें दिखाइएगा शो कीजिएगा उसका 10% आपको देना होगा, पे करना होगा। इसके बाद जो 90% राशि बचेगी वो आपको सरकार दे देगी, इस 90% में से 40% आपको सब्सिडी मिल जाएगा, बाकी 50% को आपको पे करना होगा, EMI के थ्रू उसको पे करना होगा। बहुत सिंपल तरीका है, अगर आप में से कोई चाहते हैं इसमें अप्लाई करना तो बेशक कीजिए, और अपने लिए कुछ तैयारी कीजिए, कुछ पैसे जुगाड़ कीजिए और बिजनेस कीजिए, अगर करना चाहते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है। साथ ही आप नहीं करना चाहते हैं, किसी को जानकारी देना चाहते हैं उनको जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है पैसे की कमी कारण वो कुछ कर नहीं पा रहे हों, ताकि ये सहयोग हो जाएगा उनको तो वे कुछ कर सकते हैं। चलिए, आप सभी को बहुत